आज शनिवार है यानी हमारा छुट्टी का दिन, तो दिन भर रूम पे बैठे बैठे हम काफी बोर हो गए थे, इसीलिए हम चाय पीने थोड़ी से बाहर आ गए। सैटरडे संडे यानी छुट्टी का दिन यानी पूरा दिन मस्ती, ये बात इंजीनियरिंग स्टूडेंट पे लागू नहीं पड़ती। और हमारा सैटरडे संडे कैसा गया ये आपको इस व्लॉग के आखिर तक तो पता ही चल जाएगा। चाय पीने के बाद हम चलते चलते अपने हॉस्टल तक आ गए। फिर हॉस्टल के पास मेरे दोस्त मिले जो लेक्चर करके आ रहे थे। इन बिचारों का छुट्टी के दिन भी लेक्चर था, ये 4 बजे तक लेक्चर करके आए थे। फिर हम सब ने हॉस्टल के रूम पे जाकर चिवड़ा लड्डू खाए और खाना मस्ती होने के बाद मैं आराम से 5 बजे चला गया नहाने। छुट्टी है आज, जल्दी थोड़ी नहाते हैं। आपसे नहाने के बाद मिलता हूँ। मेरा नहा के तो हो गया था और अभी मुझे पढ़ाई करनी थी। पर थोड़ी देर पढ़ाई करने के बाद हमने सोचा गणपति बप्पा आने वाले हैं इसलिए कॉलेज में लेजिम की प्रैक्टिस चल रही है तो वो देखने चलते हैं। और आज बारिश हुई थी तो मौसम भी काफी अच्छा हो गया था। हम जैसे जैसे कॉलेज के अंदर जा रहे थे हमें हल्की रोल और लेजिम की हवा सुनाई देनी शुरू हो गई थी। लेजिम की प्रैक्टिस देखने के बाद हम थोड़ा सा घूमने चले गए ग्राउंड पे। आज पहली बार ऐसा है कि हम यहाँ पे आए हैं और ग्राउंड पे कोई नहीं है, मतलब मैं, जग्गू और एक प्रैक्टिस कर रहा है फुटबॉल का, बाकी पूरा ग्राउंड खाली है क्योंकि आज बहुत दिनों बाद बारिश भी हुई थी इसीलिए थोड़ा सा ग्राउंड गीला हो गया है। देखो पीछे बादल दिख रहे हैं ना, हाँ उसी की वजह से आज कोई नहीं आया है। सब्सक्राइब कर दो चैनल को, कहने की ज़रूरत नहीं है आपको पर फिर भी कर दो। कोई कोई लोग बैठे होंगे कि नहीं भाई आप भाई ने बोला तभी हम करेंगे, ऐसा हो ऐसा कुछ हो तो सब्सक्राइब कर दो आप लोग, अब बोल दिया है मैंने। फिर 7 बजे हम खाना खाने मेस की तरफ जा रहे थे तभी हमें अपना पुराना वाला दोस्त मिल गया जो हमारे साथ साथ ही आ रहा था, तो हमने सोचा कि इसका कुछ नाम रख देते हैं। मैंने दोस्तों से पूछा और उन्होंने सजेस्ट किया जग्गू, और शायद इसे भी ये नाम काफी पसंद आ गया। जग्गू टू से पहले आ गया, तुझे नहीं आने देंगे अंदर। फिर हमने अपने रोज की स्टाइल से चप्पल रखी और हाथ धो के चले गए खाना खाने अंदर, पर मेस में कभी खाना टाइम से मिला है। हाँ आज भी वही, हम थोड़ी देर बैठ के वेट कर रहे थे। जग्गू टू इसने सच में मुड़ के देखा और इसके बाद ये जाके लाइन में खड़ा हो गया। देखो हमारे यहाँ पे मेस में सेल्फ सर्विस होती है तो हम सब ने खाना लिया और आज हमें खाने में था चपाती, राइस, मटकी, दाल और ककड़ी। रात होने पे बाकी के लोग जाते हैं सोने पर मेरे दोस्तों को क्या चुल मस्ती है पता नहीं, हम कहाँ जा रहे हैं हमें पता नहीं पर जा रहे हैं कहीं, तो मुझे तो पता नहीं और हम दोनों को भी पता नहीं हम कहाँ जा रहे हैं, पीछे हम जा रहे हैं। तो फिर चलते चलते हम अनजान रास्ते पे काफी दूर चले गए। फिर मैंने अपने दोस्तों से बोला भाई अभी यहाँ से वापस भी जाना है ये ध्यान में है ना, और ये सुनने के बाद हम पीछे मुड़ गए। तो फाइनली भूले भटके हम वापस आ गए हॉस्टल के रूम में आ गए हम। इसके बाद मैंने थोड़ी देर गाने सुने। फीलिंग प्राउड इंडियन आर्मी, जंग के मैदान में कदे ना हारते हो। हाँ, हाँ, मेरे दोस्त महेश के हाथ में ट्रिमर आया और वो बोल रहा था राज को थोड़े से ही मैं उसके बाल निकालूंगा, और फिर इन दोनों का चूहा बिल्ली का खेल शुरू हो गया। पहली बार तो महेश के राज हाथ नहीं आया पर दूसरी बार और इसी के साथ इनका चूहा बिल्ली का खेल खत्म हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।